फहरा है, जिस पर न जाने कितने लोगों के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। क्या तो वही रघु है, वही सीधा साधा शरीफ रघु, जिसको लोगों के दामों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा क्यों किया तूने रघु, बोल ऐसा क्यों किया? राज, आखिर कब तक मैं भूख प्यास और गरीबी का मुकाबला करता, कब तक लोगों के ताने सुनता? तू तो जानता है इस समाज ने मुझे बहुत गिरी हुई नजरों से देखा। मेरे बाप की अर्थी उठने नहीं दी लोगों ने, उनकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बोल, मैं जाली नोटों का कारोबार नहीं करता तो क्या करता? तू मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कर राज। तो अगर हर गरीब तेरे रास्ते पर चले तो क्या होगा इस देश का? आखिर क्या चाहिए था तुझे? ठीक तो कपड़ा, छत, ऐश और आराम। रघु, जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ तो तेरा था रघु। बात ये, मैंने फिर तो इस दलदल में क्यों कूद पड़ा? रघु, देख मेरे भाई, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा, तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता है। मेरी बात मान, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रघु रघु, आज अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तो मैं उसके हाथों में हथकड़ी डालकर जानवरों की तरह घसीटता हुआ उसे पुलिस स्टेशन ले जाता। और रघु, मेरी बात मान ले रघु। नहीं राज, नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुझसे विनती करता हूं रघु, इज्जत और शराफत से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अपने आप को कानून के हवाले कर दूं मैं? अरे तेरे कानून ने खुद अपने आप को मेरे हवाले कर रखा है। ये ऐसे नोट फेंकता हूं मैं तेरे पुलिस के मुंह पर। कौड़ियों के दाम बिकता है तेरा कानून, जो 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 जो, और जो बिकता नहीं वो मेरे सामने टिकता नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा, एक जान से मार डालोगे साला, जाओ यहां से, जाओ निकल। तूने मुझ पर इसीलिए हाथ उठाया ना कि मैं तेरे और तेरी मां के एहसान के नीचे दबा हुआ हूं? हाँ, चल आ मेरे साथ, चल। मुझ पर तुम्हारा कर्ज है ना, सब चुका दूं आज। ये ना वो मंगलसूत्र, यही है ना जिसको बेचकर तेरी मां ने मेरा कर्जा चुकाया था? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान, ये लो उठाओ। हाँ 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 हाँ, और कुछ रुपये भी दिए थे ना तुम लोगों ने? हाँ फेरो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लो 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 लो, उठाओ।
मेरे खाते अपने पुरखों की इज्जत बेचकर मेरा कर्ज चुका ली। पुरखों ने जो इज्जत कमाई थी वो तो कमा के चले गए, लेकिन आज आज तेरी इज्जत सबसे पहले है बेटा। तो बहुत दूर निकल चुका है रघु, इतनी दूर जहां मेरी हमदर्दी तुझ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरा फर्ज तुझ तक जरूर पहुंच सकता है। चल मेरे साथ। वारंट लाया है क्या? हाँ, अब ये कलाई कल के रघु की नहीं, आज के राघवन की कलाई है। इस पर राखी बांधने के लिए तेरी बीवी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अटकड़ी तो बहुत दूर की बात, आइंदा मेरे घर में बिना वारंट लिए मत घुसना मिस्टर एएसपी राज। आउट। आइंदा जब भी आऊंगा अरेस्ट वारंट लेकर आऊंगा राघवन, फिर देखता कुर्सी का कौन सा दलाल बचाता है तुझे, देख लूंगा।